गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के रामपुर से सुकुड़ा जाने के क्रम में 65 वर्षीय वृद्ध महिला विक्टोरिया सोरेन को जंगली हाथी ने कुचलकर मार दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। ज्ञात होता है कि वृद्ध महिला विक्टोरिया सोरेन रामपुर से सुकुड़ा रविवार सुबह जा रही थी, अचानक जंगली हाथी आ गए। जंगली हाथियों ने वृद्ध को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इधर वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ज्ञात होता है कि इन दिनों गुमला जिले के कई जगहों पे जंगली हाथी के आतंक है, मगर वन विभाग के द्वारा किसी प्रकार का ग्रामीणों के सुरक्षा के लिए कोई पहल नहीं किए जाने से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो जब भी जंगली हाथी गांव की ओर पहुंचते थे तो वह विभाग के अधिकारी इस पर कोई पहल नहीं करते हैं। यहाँ जो हर बार हो रहा है, साल में 2-3 बार होता है, फिर भी इतना होने के बावजूद भी जो वन विभाग वाला कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है, तो हम लोग अपील करते हैं कि जो भी घटना हो रहा है सुरक्षा के लिए वहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सुबह निकला वो मेहमान जाने के लिए, वो सुकुटा जाने के लिए सुबह, तो बीच रास्ता में उसे मुड़ फेर हो गया। किससे मुड़ फेर हो गया? हाथी से। कौन जगह? मतलब बगीचा जगह, रामपुर बगीचा जगह। अच्छा, तब फिर हम लोग मालूम बताने गए गांव के वो लोग, फिर हम लोग बताए, उसके बाद हम लोग गए देखने के लिए। कितना संख्या में थे हाथी? संख्या में कम से कम 50-150 तक थे। जब किसी की मौत होने पर वन विभाग की नींद खुलती है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारी हो जो विभाग के कर्मचारी पर कार्रवाई करने की जरूरत करे। वन विभाग के DFO से जानकारी लेने से चाहे तो उन्होंने रटा रटाया कहानी बताने लगे। 65 वर्षीय वृद्धा विक्टोरिया सोरेन की एक लोन एलिफेंट के मारे जाने से उनकी मृत्यु हो गई। यह रामपुर हिंद्री बगीचा में है। इस पर हम लोग काफ़ी खेद प्रकट करते हैं। ये एक लोन एलिफेंट है जो झुंड से बिछड़ा हुआ है, अतः इसको अब ट्रैक किया जाएगा कि किस झुंड से बिछड़ा है, और चूंकि यह लोन है तो ये खतरनाक आय के लिए भी हो सकता है। इस पर विशेष निगरानी की जा रही है और इटाम गांव, इटाम में विशेष चौकसी बरतते हुए आज रात में ये पूरा ये मशाल वगैरह का प्रबंध किया जाए। जंगली हाथी को भगाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है, जिससे पूरे कामडारा इलाके के ग्रामीण आक्रोशित है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।